ओए ओए ये तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। नीचे देख नीचे देख नीचे बांध नीचे देख ओ तेरे। सो गाइस इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे आप सभी के साथ मिलके उत्तराखंड के अंदर स्वर्ग कहे जाने वाले ओली को, जो कि विंटर वंडरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जगह फेमस है अपने विंटर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज को लेकर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप लोगों को हिमालयाज के पीक्स देखने को मिलते हैं। एंड विंटर्स में ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। सो गाइस ओली तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होता है उत्तराखंड के जोशीमठ में। एंड लास्ट वीडियो में हमने अपनी जर्नी कंप्लीट करी थी जोशीमठ तक की। एंड हम इस वीडियो में आप सभी के साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे ओली को एंड जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस जगह में। जोशीमठ से जो ओली का रास्ता जाता है 14-15 किलोमीटर का ट्रैवल करना होता है, उसी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं ओली जा रहे हैं। एंड इस रूट पे आप लोग शेयरिंग टैक्सी से भी ट्रैवल कर सकते हो। हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। नजारा देखो जरा, ये है कुछ रोड जिसके ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ रोड। हाँ जी बेहतरीन है यार। बट अभी रहता है यहाँ से भी ओली 6-7 किलोमीटर का। देखिए ओके, इसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे। तो भाई ये है बेहतरीन सा नज़ारा। एंड सामने के पीक्स भी दिख रहे हैं यहाँ से ना, क्योंकि ओली हाइट पे है। ओली जाना जाता है अपने विंटर स्पोर्ट्स के लिए, तो अगर आप ओली प्लान कर रहे हो तो ये देखना अभी। एंड एक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो जोशीमठ से ना ओली जाने का एक और रास्ता था मेन, जो रोप वे से जाता है, जो सबसे फेमस था, बट वो अभी बंद किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो जोशीमठ का कुछ चल रहा था न्यूज़ में कि वहाँ पे मतलब लोग क्या कहते हैं दरारें वगैरह आ रही थी होटल्स में और उसमें ना, तो उस वजह से आई थिंक वो रोप वे बंद किया हुआ है। तो बाय रोड का ऑप्शन ही इज़ दी ओनली ऑप्शन राइट नाउ अगर आपको ओली जाना है। सो गाइस एक चीज़ ये भी है कि इस रोड पे ना काफ़ी सारे स्टेज के ऑप्शन आ चाहते हैं, यहाँ भी आ सकते हो। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो जोशीमठ आने के बाद आपको टैक्सी वगैरह शेयरिंग में मिल जाती है, बुकिंग में मिल जाती है। ऑल्टो 2000 के अराउंड बुक हो जाती है फुल, और शेयरिंग में आपको सुमो वगैरह मिल जाती है जो कि इस रूट पर आपको ले जाएगी। क्योंकि आप रोड देखो ना, ये अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब स्नो होती है ना इसके ऊपर, तो सिर्फ 4x4 गाड़ी ही मतलब समझ जाओ वो चीज़ है। सो देखिए गाइस, एंड आपको यहाँ पे स्नो मतलब दिखनी शुरू हो चुकी है। हमें अभी रहता है 5 किलोमीटर यहाँ से। और ये चीज़ है कि इस रोड पे जो ट्रैवल कर रहे हैं ना हम, जब स्नो होती है तो ये पूरा ये देख रहे हो ना ब्लैक आइस बन जाती है, तो नॉर्मल गाड़ी में दिक्कत होती है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो इस रोड पर आप लोग जो यहाँ की सुमो वगैरह चलती है उसमें आ जाओ जोशीमठ से, या फिर अगर आपके पास फोर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो देखो रोड्स क्लियर है, बाकी आगे देखते हैं क्या नज़ारा वेट कर रहा है जी। थोड़ी नैरो रोड तो है बट भाई मेन पॉइंट पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एंड देखो थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि वीकेंड है ना, और ऊपर गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हैं, तो गाड़ी खड़ी करने की जगह देखनी पड़ेगी कहीं। एंड यहाँ पे भी आपको रिजॉर्ट्स वगैरह, देखो ओली में ना मोस्टली रिजॉर्ट्स वगैरह के ऑप्शंस ही हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट यहाँ पे स्टे करने का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। देखिए एंड आपको अगर स्नो के टाइम आओगे तो वहाँ पे स्नो बूट्स भी आपको रेंट मिल जाते हैं वो रखे सामने ना। ये डांगरी जो होती है, डांगरी भी होगी यहाँ पे ज़रूर। डांगरीज बेसिकली जो ड्रेस होती है पूरी आपकी स्नो में, अगर आपको एंजॉय करना है, खेलना है, लेटना वेटना है तो उसके लिए, एंड स्नो बूट्स। हाँ जी गाइस, क्विक अपडेट ये है कि देखो जाम लगा पड़ा है, जाम क्योंकि क्रिसमस वाला वीकेंड है, और जो मेन पॉइंट है ना गाड़ी खड़ी करने का वहाँ तक, तो भाई गाड़ी जा ही नहीं पा रही। पीछे जगह देख के गाड़ी लगा दी हमने, एंड यहाँ से बाय वॉक जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर के आसपास, और कोई ऑप्शन भी नहीं। इससे फ़ायदा भी है अपने को, वापसी में वहीं से सीधा निकल जाएंगे। देखो दिखाता हूँ क्या भसड़ मच रही है, देखो ये दिक्कत हो जाती है। सो गाइस ये देखिए वो उधर मेन रोड, एंड सारा मेन पार्किंग, देखो यहाँ पे भी ये गाड़ी खड़ी कर रखी है लोगों ने, है ना, गाड़ी आई नहीं पा रही भाई, इधर भी खड़ी है। तो ये है अपने को इधर से जाना पड़ेगा, शॉर्टकट लेना थोड़ा सा। चलिए चलिए कोई नहीं, एक्चुअली होता क्या है ठंड में ना ट्रैक करने में सांस बहुत जल्दी बोलते हैं, जैकेट वैकेट और डाल रखी है। फिर वो दोनों तो बहुत आगे निकल के क्या भागे जा रहे हैं। अच्छा उनके एनर्जी का सीक्रेट पता मेरे को।
सो भाई वो देखिए, वेलकम एट स्काई रिजॉर्ट ओनली, यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें चेयर कार वगैरह का भी है, उस पर भी जाएंगे अभी, देखते हैं। दो बंदे आगे भेज दिए क्योंकि भीड़ है ना, चेयर कार के लाइन में लग जाएंगे टिकट के लिए। और यहाँ पे आपको नीचे मार्केट में स्नो बूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। 100 rupees उनका वो रेंट का प्राइस है। वेलकम टू ओली अब ऑफिशियली। एंड गाइस ये देखिए, इधर GMVN का यहाँ पे आपको कॉटेज मिल जाता है। GMVN एक तरह से गवर्नमेंट के बोल देते हैं कॉटेजेस, ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, बट ये ना बहुत जल्दी बुक, सबसे पहले यही बुक होते हैं क्योंकि बहुत शानदार होते हैं, फैसिलिटीज सही होती है। मेन पॉइंट पे देखो भाई, मिल जाता है आपको, ट्राई कर लेना, ईजी रहता है GMVN। एंड इधर से चेयर कार का है टिकट काउंटर, ये देखो भाई सामान ला के ले जाए। चलो इधर जा, चेयर लिफ्ट। लंच टाइम हो गया ना, इस वजह से ऐसा सीन हो गया। हाँ जी गाइस, चेयर कार का आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या सीन है, ये देखो ज़रा, ये जाती चेयर का इधर से। एंड भाई लाइन देख लो कितनी है। और एक चीज़ और भी है, इससे पहले टिकट लेनी पड़ती 500 रुपये पर पर्सन, इसकी भी लाइन लगी हुई है। एंड इसमें एक चीज़ है, 1 से 1.5 का लंच टाइम है, तो अभी तो 1:30 हो रहा है, लैग भी आ रही है इसके। और सबसे खास बात, मेरे साथ के बंदे देखो, दो वहाँ बैठ के धूप से करें, एक ये बैठी मुझे खड़ा कर दिया लाइन में। गाड़ी में मैं चला के आऊँ दिल्ली से, लाइन में मैं लोग यहाँ पे आधा घंटा बढ़ जाएगा। सो गाइस फाइनल टिकट्स मिल गए, GMVN इसको मैनेज करता है। हाँ ये देखिए, 500 rupees पर पर्सन। एक सेकेंड, ये टिकट का है ना। एंड इधर से अपने बंदों को देखता हूँ, मेरा साले धूप से करें ना ये। एक सेकेंड भाई अपना, वो बैठे। अरे सारी मेहनत मैं करूँ भाई, 1 घंटा हो गया यार, पहले आधा घंटे का लंच टाइम में लाइन में लग गए, छोड़ नहीं सकते। और ये देखो यहाँ पे इनकी चल रही है, देखो जरा ये बैठे आराम से। सही है बेटा, मौज ले लो, मैं लाइन में लग रहा हूँ वहाँ पे। चार टिकट, फोटो गलती से। अब दोबारा से लाइन में लगेंगे, ये लाइन अलग है, टिकट की लाइन अलग है, आपकी ये लाइन अलग है। एंड ये है आपका चेयर लिफ्ट। चलो भाई फोटो क्लिक करो, थोड़ा पीछे जाओ, मैं वो नहीं आ रही, वापस जा। हाँ जी गाइस, अब मैं बैठ के धूप सेक रहा हूँ और उनको लगा दिया लाइन में, टिकट टिकट्स आ गई हैं। देखो देखो वो खड़े, और ये देखो लाइन भाई कितनी लंबी है, मजा आ रही है फिर इधर, बट आएगा मज़ा। एंड वो देखो उधर पीक्स, ऊपर से तो और सुंदर दिखेंगे पीक्स ना, अच्छे से बेहतरीन है भाई, बेहतरीन। तो भाई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का वेट करने का नंबर आ गया अपना, टिकट देखो भाई ये, इसके बाद अपना नंबर आएगा, वहाँ से खड़े होंगे, इसे बैठेंगे, चल पड़ेगी भाई, एक्साइटमेंट है, मजा आएगा। सारी एक्साइटमेंट ही एक्साइटेड टू सी, बट यू नो वी हैव टू हूट। चार लोग बैठ जाना, रुकेगा नहीं। अरे भाई बैठ गए, वेट हो गया भाई, भाई आराम से भाई, ओ भाई, ओ भाई मेरे, ओए ओ ये तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, नीचे देख बांध नीचे देख, ओ तेरे, ओ भाई तो फट रही है, ओ शिट भाई नीचे निकल जा रहा, ओ बहन देखो नीचे पे। गाइस आपको दिखाया तो मेरे बस की नहीं हो पा रहा, देख लो भाई, माउंटेन व्यू भाई, ये तो सच्ची में क्रेजी हो गया। मैंने कभी पैराग्लाइडिंग भी नहीं करती, इतनी हाइट मैंने कुछ नहीं किया आज तक। पीछे वो देखो जस्ट भाई, शुभम भाई जस्ट इमेजिन कि यहाँ से GoPro गिर जाए यार, तू चुप चुप, अरे मजाक की बात, तेरे सुनी चल रहा है, तेरे सुनी चल रहा है, स्काई डाइविंग, एज वॉक, मैंने भी पैराग्लाइडिंग कर रखी है यार, मैं ही हूँ क्या फिर तुम, कोई बात नहीं भाई, मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया, शुरू में डर था लेकिन अब लग रहा बढ़िया, देखो ना, लेकिन अल्टीमेट था यार, मज़ेदार। जब एक बार को निकले थे ना वहाँ से, तब झटका लगा और वो देखा, ओ अमेजिंग, वो तो बहुत लंबा है, ऊपर ही चले जा रहे हैं भाई, देखो धूप भी पड़ी इधर से आ रही है, ओ झटके भी दे रहा है, बस रुकना चाहिए भाई, ऐसा मत बोल मेरे भाई। अब भाई शुरू में डर था, अब चिल है, अब अच्छा लग रहा है ना, फूटिंग तो करो, चलो जयकारा लगा दो,
जयकारा जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। अब बस डर खत्म, बात खत्म, हर हर महादेव बोलते डर खत्म। देखो लाइन जा रही है कुछ, देखो कौन सी ये वाली, वो रोप वो मेन रोप ना जो जोशीमठ से आ रहा है वो तो असली था ना भाई, वो तो जाती है इतना, वो जोशीमठ तो यहाँ तक छोड़ता भाई, वो अल्टीमेट था ना, वो बंद कर रखा है ना भाई। ये भी बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है झटका लगा कैमरे से कैमरा टकरा। सो गाइस अभी पता नहीं कितने हाइट पे हम, बट बादलों में जा रहे हैं, बादलों में जा रहे हैं, देख लो यार आप खुद ही देख लो, वो भी देखो भाई अमेजिंग। बोला अब तो आराम से ऐसे देखो, मैं ऐसे बैठ के भी चिल करके बैठो, अब तो डर खत्म होने वाले हैं ना, पहुंचने वाले हैं, डर खत्म हो गया भाई। वो पीक्स देखो अल्टीमेट, हर हर महादेव। सो गाइस वी हैव लैंडेड सेफली, अमेजिंग सेफली। ओ भाई उतर जा, उतर जा, रुकेगा नहीं क्या, अच्छा रुकता नहीं ना भाई, मजेदार मजेदार, एक नंबर, हाँ क्रेजी, बट करना चाहिए। मतलब हमने ना डेढ़ घंटे में वेट किया ना लाइनों में लग के, वो लगा कि हाँ भाई वर्थ इट है, वर्थ इट। जब स्टार्टिंग में जो व्यू और नीचे देखो भाई, लिटरली फट गई एक बार को तो। अब देखो थोड़ा ट्रैकिंग व्रैकिंग करते हैं यहाँ पे, स्नो के पास चलते हैं और अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ना। हाँ जी गाइस, सो अब हम थोड़ा सा ट्रैक करके जा रहे हैं अलग, देखिए इस साइड में एक्सप्लोर करेंगे एंड स्नो भी वहाँ पे है, दिख रही है, लेट्स सी भाई। लास्ट स्नोफॉल यहाँ पे 11-12 दिसंबर को होता, देखो अभी तो सूखा ही है, ऐसा कोई ज़्यादा कुछ स्नो नहीं है। जनवरी में अगर आप लोग आओगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, बाकी आगे देखते हैं। एंड ट्रैकिंग के लिए देखो घोड़े भी जा सकते हैं, बट घोड़ों के लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, और खुद भी ऑब्वियसली नहीं। एंड ये देखिए वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि ऑल ही जाना जाता है अपने विंटर स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें विंटर स्पोर्ट्स होते हैं फ्रीज हो जाती है। और ये पीक्स देखो भाई, ये बनाते हैं ओली को बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत, एक नंबर। सो गाइज आगे जाके 3 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ट्रैक है यहाँ से, जिसका नाम है बुरसा वैली, वहाँ पे अपने को स्नो देखने को मिलेगी ऐसा कह रहे हैं वहाँ के, लेट्स सी। और ये देखो व्यू तो सुंदर है भाई, जनवरी में अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्नो बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी यहीं पर, बट देखिए है ना। अब देखो बर्फ मार दो, ओ शिट मिस हो गया, बच गई बेटा। हाँ जी गाइस, सो एक चीज़ आपको बतानी है कि ये देखिए यहाँ से जा रहा है जो मैं बता रहा था रास्ता आपको, लेकिन ना मेन पॉइंट तक नहीं जा रहे हो कि ना ऊपर ऐसा जितनी स्नो अभी वहाँ पे भी नहीं है, बट ये कि अगर आप लोग जनवरी में आ रहे हो तो आपको यहीं पे इतनी स्नो अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। वो लेक है ना उसके इधर आए हम लोग, थोड़ा यहाँ बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, थोड़ा आइसोलेशन मतलब अलग आया, आइसोलेटेड सा यहाँ पे। उधर स्नो है पैचेज में है, वहाँ पे जा सकते हैं, अभी जाएंगे हम भी। और ये देखिए पीक्स दिख रही हैं एंड सूरज पीछे से छुप गया ना, थोड़ी लाइट कम हो गई है, ओ जैसे वो धूप नीचे हुई है ना मतलब सूरज छुपा तो ठंड भी बढ़ गई है भाई। सो गाइज ऐसा कुछ है, ज़्यादा स्नो तो नहीं है बट इतना कुछ है, देख सकते हैं आप। मतलब ये है कि मैंने तो बहुत लबालब स्नो भी देखी है ना, तो ठीक है मतलब ओके ओके कहूँगा मैं तो, बट करंट अपडेट यही है स्नो तो दिखाता हूँ, रुको अरे गई नहीं यार ये तो, देखो भाई बच गई बेटा बच गई। तो गाइस ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं यार, सच्ची बताओ ना यार जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ना उसको टाइमिंग है केबल कार की, जगह इतनी सुंदर है, देखो ना व्यू
भाई यार। और एक चीज देखो, मून भी दिख रहा है भाई, 4 बज रहे हैं अभी, देखो है ना, मून दिख रहा है एकदम साफ यार। भाई साहब बढ़िया यार। हाँ जी, कैसे नीचे उतर रहे थे, मैं भाई मिले। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंभीर है भैया। गंभीर, तो मुझे बता दो पहले, जो आप ये घोड़े यहाँ पे ऊपर लेके जाते हो, इनका क्या चार्ज रहता है? उसका भैया यहाँ पे 400 घोड़े का यूनियन बना है, यहाँ पे 1250 रुपये अप एंड डाउन का है जी, और 850 रुपये आप ही आपका है। लेकिन विंटर का सीजन का मतलब जब बर्फ हो जाएगी, हाँ जी, तो ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, ज्यादा बर्फ पे नहीं चलते घोड़े यहाँ पे। मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, जैसे कितना 3 किलोमीटर का एक साइड का? हाँ, 3 किलोमीटर। तो घोड़ों के कोई दिक्कत नहीं होती? मतलब नहीं, इनको नहीं, सर, ऐसा नहीं है। मतलब इनको जैसे पैर वैर फिसलते हो? कभी फिसल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनका पूरा ध्यान रखते हो प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल यार, ये चीज है ना, मैं वैसे मेंशन करता हूँ कि ऐसे घोड़ों का वो ना, तो भाई ने बताया, भाई मैंने हमने अपने हाथ से गुड़ भी खिलाया घोड़ों को, तो भाई मतलब पूरा ध्यान रखते हैं घोड़ों का। ये चीज अच्छी लगी मेरे को, इनको टाइम मिले। इनका मेन खाना पीना, इनका मतलब एक घोड़े का 900 रुपये यहाँ पे पर डे का खर्च आता है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपरली खिलाना पड़ता है इनका। क्योंकि पता है क्या, देखो आप तो देते हो, लेकिन काफी लोग ना ऐसे मैंने देखे हैं, डाइट वाइट देते नहीं है और उनको नशा वशा कभी जाता है, वो चीज बहुत गलत होती है। वो केदारनाथ में, केदारनाथ में बहुत गलत चीज है, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक ही चक्कर, एक ही राउंड होता है, जैसे आज पीक टाइम था तो आज वो ना वो है ना, मतलब फिक्स है, मतलब नॉर्मल है। देख लो घोड़े बने हैं, घोड़े का कोई, लेकिन बहुत प्यारे घोड़े हैं भाई। अभी मैंने अपने अपने हाथ से खिलाया उसको गुड़ भी, बड़े प्यार से खाया भाई इनको, बहुत सुंदर है भैया। ये है कि खिलाना इनको मैं नहीं, बस बस नहीं, बहुत बहुत सही कर रहे हो यार भैया। आपके सब सब ऐसे आपकी तरह ध्यान रखे ना घोड़े का, फिर बात ही क्या हो यार। भाई देखो, वापस जाने के लिए लाइन कितनी लंबी हो चुकी है, 4:30 का टाइम हो गया है, ये देखो भाई। तो गाइस बैठ चुके हैं नीचे जाने के लिए, एंड इस टाइम पता क्या, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो ठंड मतलब हवा लगेगी ना उसका, और व्यू देखते सामने का सनसेट, बहुत ठंड है यार ये। ठंड तो है, व्यू भी है। वो वाली शैडो देखो भाई, उस तरफ कितनी अच्छी आ रही है, मतलब सनसेट की वो रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना माउंटेन्स के ऊपर, क्या सुंदर है भाई, एक नंबर भाई, है तो सही क्रेजी सनसेट के टाइम है, मतलब मजा। और ठंड बढ़ गई ना, तो हवा लग रही है, सब कवर्ड है भाई इसने तो। हाँ आंसर दे भाई, पूछ भाई। हाँ क्या, ऐसा क्या हुआ? चुप हो जा मानसी, मिस मानसी, मिस मानसी, मिस मानसी। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो आप सभी के लिए उत्तराखंड से ओली की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ओली के बारे में कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए यहाँ पे ना नीचे उतरते आपको खाने पीने का मिल जाएगा। यहाँ पे दिया मैगी, चाय और ये रोस्टेड पीनट, लाइन से खा रहे हैं हमारे लगे बड़े से। फिर अच्छा यार, सही है ठंड में ना, सो गाइस इसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे हेलांग वैली में, जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ था। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।